Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and healthy in your home. तो फोटो देखिए आप समझ ही गए होंगे. आज मैं बनाऊंगी छोले की रेसिपी जो एकदम इजी होगी और इस ट्रिक से अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट में या ढाबे में मिलते हैं वैसे वाले छोले मिल गए. तो शुरू करते हैं प्रेपरेशन. एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लीजिए अच्छे से और गर्म होने पर उसमें डालिए जीरा और साथ में धनिए के दाने. और अब इसमें डालिए प्याज दो मीडियम साइज़ के. साथ ही में इसमें डालिए अदरक लहसुन और मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. तो अब यहाँ पे मसाला बनके तैयार है. इसमें डालिए ग्रेट किए हुए तीन मीडियम साइज़ के टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें सबसे पहले डालिए बहुत थोड़ी सी हल्दी. इसके बाद डालिए नमक और डालिए रेड चिल्ली पाउडर. देन इसमें डालिए धनिया पाउडर. देन इसमें डालिए अमचूर पाउडर. देन इसमें डालिए छोले मसाला साथ ही में. और अब इसमें डालिए कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के कुछ 5-10 मिनट तक पका लीजिए. और यहाँ पे छोले एकदम रेडी हैं, बॉईल हो गए हैं. और इनको मैं अच्छे से विस्कर से मिक्स करके और छोलों को अलग कर लूँगी और पानी प्रेशर कुकर में ही रहने दूँगी. तो यहाँ पे 5-10 मिनट के बाद हमारा जो मसाला है बनके रेडी है. निकाले हुए छोलों को मैं डालूँगी इस मसाले में ताकि ये जो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें इस मसाले के फ्लेवर को. और इसको मैं लगभग 5-10 मिनट तक पकाऊँगी ऐसे ही एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है. हमारे छोले पक चुके हैं अच्छे से. अब इसमें हम प्रेशर कुकर का जो बॉयल्ड चने का पानी था वो इसमें डालेंगे. इसको 5-10 मिनट्स के लिए पकाएंगे. अब यहाँ पे हमारे छोले बनके एकदम तैयार हैं. अब मैं इसको गार्निश करूँगी बारीक कटा हुआ धनिए से और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. अब यहाँ पे हम फ्लेम करेंगे हमारी बंद और यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म छोले बनके एकदम तैयार हैं. आप इसको सर्व कीजिए नान के साथ, राइस के साथ, जैसे आपको पसंद हो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय. एन्जॉय योर डे.